तो पिंड वाले भाई ऐलानात सुन चुके ने, इश्तहारात लगे हुए सन। अल्हम्दुलिल्लाह शोहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस हौसला इनकाद हो चुके हैं। खुतबा हजरात मस्जिद अंदर वो पहुंच चुके ने, कुछ आ रहे ने इंशाल्लाह। तो तरतीब नाल उन्होंने खिताबात होंगे। तो भाई बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस है, तो सारे पिंड वाले उन्होंने मस्जिद अंदर पहुंचना चाहिए है। दीनी प्रोग्राम इन्हें तो भरपूर शिरकत होनी चाहिए। दुनिया की मजलस का कोई भी प्रोग्राम हो, जोक दर जोक उ बैठे होंगे, ये तो भाई बख्शिश का प्रोग्राम है ना। जो प्रोग्राम खत्म होना है, जो खुश नसीब इस प्रोग्राम अंदर शिरकत करे, आए मस्जिद अंदर बैठे, खुतबा इजाम दे बात सुनेंगे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अमल करेंगे, तो अमल के बाद होता ही रहना है। रजाई लाई वास्ते जो असि आ गए हाँ, तो इतो प्रोग्राम खत्म होएगा, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि प्रोग्राम ही खत्म हो गया, तो मैं थोड़े गुनाह भी माफ फरमा चाहे। तो भाई बख्शिश की मजलस है, बड़ी कीमती मजलस है, एहोदी मजालस के अंदर आना बाइस सवाब है। जितनी देर बैठे हो चार नेकियां ही लिखियां जा रही हैं यार, कम से कम बंदा गुनाह तो बच जाता है। घर अंदर बंदा बैठा है, किसी का गिला करता पै, किसी की चुगली पे करता है, शैतान ने उंगल ला दी तो लड़ाई भी हो जाएगी, सौ मसले। तो जो रब के घर च आ गए, इन्हों सारे गुनाहों को बंदा बच जाता। और जो खुतबा हजरात तकरीर करे, रब का कलाम सुनाणगे, रब का कलाम सुनोगे तो आपे ही सुभान अल्लाह निकलेगा। तो सुभान अल्लाह कहने नाल पता है केड़ी वड्डी नेकी लिखी जाती है, जन्नत अंदर दरखत लग जाता है। ये खेती बाड़ी है जन्नत की, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, जितनी भी बंदा कर ले। तो बंदा जन्नत अंदर जाएगा तो उसनु फायदा होएगा ना। तो ये जन्नत दी चाबियां ने सुभान अल्लाह आखना, अल्लाह अकबर आखना, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस वास्ते ये प्रोग्राम की लिस्ट लंबी चौड़ी है, अगर आप तमीद टाइम टपा दिता लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। तो मैं बगैर तमीद के प्रोग्राम का आगाज करना, इंशाल्लाह बिच तिलावत की जरूरत हो नज़म दी करावांगे। मैं खिताब वास्ते दावत देवगा इस अपने पिंड दे उभरदे खदीब, मेरी मुराद हजरत मौलाना कारी अतीकुर रहमान जुबैर साहब माइक ते तशरीफ लैन और अपने ख्यालात का इजहार फरमान। उन्होंने आने तो पहले बेदारी का सबूत देना है ना, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना कारी अतीकुर रहमान जुबैर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر مصلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم هر قسم دی حمد و ثنا اللہ تعالی دی ذات پاک واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء امام اعظم امام دین رحمت للعالمین میرے اور تواڈے بلکہ پوری کائنات دے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں اعلی و بالا واسطے دوستوں بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس مالک دی توفیق دے نال اسی شادی نماز پڑھی اور مسجد دے اندر بیٹھے اور تشریف لے کے آئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سدا آنا بیٹھنا سننا اور میرا بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے شہداء اسلام کانفرنس بہت بڑی ایک کانفرنس دا نام ہے لیکن دے اندر اسی سبق لے کے جانا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر کئی مقامات تے موت دا ذکر کر کے اور کئی جگہ تے بستیاں دے ہلاک کرن دا ذکر کر کے سانو سبق دیتا ہے کہ جنہ لوگاں نے اپنا مال چھڑیا اپنا گھر چھڑیا اپنے بچے قربان کیتے اپنے جسمانو بمبا دے نال اڑا لیا اور قرآن پاک دی ایتاں سناندے سناندے میرے کول آگئے جی اگر دنیا دے اندر رہ کے تسی میری بات نو نہ منیا تے تسی بھی تیاری کر لو اے نہیں کہ صبح ہوئے دوپہر ہوئے عصر ہوئے مغرب ہوئے عشاء ہوئے ایسی بستر تے سو جائیے پتہ نہیں ساڑی دوبارہ کھلنی ہے کہ نہیں کھلنی
अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जड़ी दुआ है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ के सुनाई और दसिया लोगों दुनिया ते कोई छोटा आया बड़ा आया आम आया खास आया कुरान पाक सुनावन वाला आया है तौरात इंजील ज़बूर सुनावन वाला आया है जदो उनकी मौत का वक्त आया है वह दुनिया नू छड़ के साडे कोल आ गया साडे पिंड दे अंदर सूफी मोहम्मद खान उन्हें बच्चियां दा अदारा कायम किया डॉक्टर अब्बास साहब ने जामिया उमुल कुरा शहर के अंदर अदारा कायम किया लेकिन साढ़े नाल दे पिंड दादू वाले मौलाना हाफिज बिनिया बिन तूर साहब शेख उल हदीस मामू कांजन वाले उन्होंने बच्चियां दा अदारा कायम किया और मियां बाकर रहमतुल्ला अलैह उन्होंने बच्चियां दा अदारा कायम किया ते अल्लाह ताला ने काम भी बहुत ज्यादा लिया ते नाल ही क्या कुल्लू नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत ए ता मियां बाकर रहमतुल्ला अलैह ने ना इस तो पहले जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी जबान तो पैगाम दिता के लोगो मेरा नमाज पढ़ना मेरा कुर्बानी करना और मेरा दुनिया ते रहना और मेरा दुनिया तू जाना अल्लाह ताला वास्ते है जे अगर बका हुंदी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह नू हुंदी असी दुनिया दे माल दे अंदर दिन भी रात भी किसे नू फजर दा नहीं पता किसे नू जोर दा नहीं पता और किसे नू असर दा नहीं पता और किसे नू मगरब ते इशा दा नहीं पता जुमा अपनी मर्जी दे नाल पढ़िया रात अपनी मर्जी दे नाल गुजारी और दिन अपनी मर्जी दे नाल गुजारिया किसे दा जनाजा देख के क्या कि असा भी कब्रस्तान जाना है लेकिन कब्रस्तान जावां तो पहले अल्लाह ताला दे कुरान नू पढ़िया होवे और कुराने पाक नू समझा होवे फरमाया कि दुनिया दे अंदर जारी काम कर ले बादली काम कर ले जनाब जो नेकी कर सकना है कर ले अच्छाई दा बदला तेनू अच्छाई दे नाल बुराई दा बदला बुराई दे नाल लेकिन जदो तू साडे दरबार दे अंदर पेश होना है तेरे कोलू दुनिया दा नहीं पूछा जाना बल्कि तेरे कोलू मरण तो बाद तेरी कबा दी तैयारी दा पूछा जाना ज्यादा लाओ साडा कब्रस्तान दोबारा शुरू हो चुके है कितने लोग पै ने हाफिज खादिम वड़ी मस्जिद अंदर कुरान पाक पढ़ते अद्धे पिंड दे अंदर आवाज जांदी कदी सोचा है कि जिन्हें अल्लाह दा कुरान 40 दफा मुसल्ले ते खड़े होके सुनाया है साडे उस्ताद मौलाना अब्दुल रशीद साहब चंद साल ही पहले साडे कोल गए और इस तरह साडी जमात के बहुत बड़े आलमे दीन और शायरे इस्लाम मौलाना इब्राहिम खादिम साहब गए लेकिन दुनिया की जिंदगी गुजार के गए ते अल्लाह के सामने गए ते अल्लाह ताला ने मोमना दा मुनाफकां दा मुसलमाना दा काफरां दा अलग अलग हिसाब करके दसिया है असी दुनिया के अंदर वाह वाह भी देखी फलां दी टिप टाप भी देखी फलां दी चुदराट भी देखी फलां दा आना भी देखिया फलां दा उठना ते बैठना ते चलना भी देखिया लेकिन जदो इस धड़ दे अंदरों जान निकल जाती है फिर कोई नहीं आंदा कि साहब जी आ रहे हैं ए जनाब खान साहब आ रहे हैं ए जनाब फलां साहब आ रहे हैं फिर हर बंदा आंदा मुर्दा आ रहा है ते अब्बास तूर साहब की मौजूदगी दे अंदर मेरे उस्ताद भी ने और कारी जाज साहब भी मेरे उस्ताद ने असी जदों जामिया मोहम्मदिया उकाड़े दे अंदर कट्ठे पढ़ते सी ना ते साडे उस्ताद मौलाना मोइनुद्दीन लखवी साहब एक गल आंदे हुंदे कि लोगो जेड़ा बंदा अपनी निमाज दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली दुआ पढ़ लैंदा है
अल्लामा इन्नी आउज बिका मिन अज़ाबिल कब्री वाउज बिका मिन अज़ाबि जहन्नमा वाउज बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल वाउज बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लामा इन्नी आउज बिका मिनल मासमी वल मागरम जेड़े कलमिया दे नाल दुआवां दे नाल साडे महबूब पैगंबर ने अपनी जबान दे अंदरों अल्लाह दी पनाह मंगी है अगर असीं वी मंग लईए ते अल्लाह ताला सानू अज़ाबे कब्र तों वी बचाएगा दज्जाल दे फितने तों वी बचाएगा और बुरी मौत तों वी बचाएगा। गौर करना है, मैं चंद बातां बयान करनियां ने क्योंकि बड़े ज्यादा उलमाए कराम ने ते आपदा बंदा सिर पकड़ के बह जावे ते फिर जलसे दा मजा नहीं आउंदा। तवज्जो करना है, मेरे तो बाद फतूर साहब का बयान है। अल्लाह दे के दुआ है जो कुछ मैं बयान करा अल्लाह ताला सानू अपनी कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक नु अपने महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते नादिल फरमाया फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत व इन्नमा توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। अल्लाह ताला ने दस्या है कुल्लू दमना हर बंदे जे आदम आया है ए उंदे वास्ते वी लाने वे नू पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम आए ने उन्हां वास्ते वी लाने वे इब्राहिम पैगंबर आया है उंदे वास्ते वी लाने वे हजरत यकूब पैगंबर अलैहिस्सलाम आए ने उन्हां वास्ते वी लाने वे यारो ए कौन ने जिन्हां दे कोल अल्लाह ताला दा फरिश्ता हुंदा है। सुनया महबूबा ए अल्लाह दा फरमान ते अल्लाह दीआं आयतां ने वे ए लोगां दे सामने बयान कर दियो ए ता दुनिया फानी है वे इत्थे किन्ने अपना डेरा लाया वे इत्थे देखिया जांदा वे पसीना कढ़ के चलदा पिया वे कोई मैं ते नाल चलदा पिया वे कोई अपनी बिरादरी लैके चलदा पिया वे कोई पैसे दे मान ते चलदा पिया वे। फरमाया कायनात दे लोगों तुसीं पैसा पैसा करके अपनी जिंदगी नूं बसर कर लैने वे फरमाया यौम ला यनफाउ मालू वला बनून वे फरमाया जदों अल्लाह दे दरबार दे अंदर तू मुजरिम बन के खड़ा होएगा वे अल्लाह दे दरबार दे अंदर कैदी बन के खड़ा होएगा वे तेरा भाई तेरे सामने नहीं आएगा वे तेरा दोस्त तेरे सामने नहीं आएगा वे तेरी पार्टी का सरबरा तेरे सामने नहीं आएगा वे तेरे इलाके का नंबरदार तेरे कम नहीं आएगा वे तेरे सारे जनाब दोस्त यार ते पैसा ते बेटे तेरे कम नहीं आवणगे वे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया वे फमन सोहसिया अनिनार अगर तेरे अमला नु वेख के तेनू जहन्नम तू बचाया गया वे अगर तेरी अच्छी जिंदगी ते अच्छे अमाल नु देख के तेनू जनाब अल्लाह दे सामने पास पाया गया वे। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमांदे पैने वे फरमाया फाउदखिलल जन्नत फकद फादा वे अगर तेनू जहन्नम तू बचा के ना तेनू अल्लाह दी जन्नत दे अंदर दाखिल कर दिता गया वे ते समझ ला तू कामयाब हो गया वे। अल्लाह ताला दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे चंद मिनट बाकी ने तवज्जो करना मैं एक सबक थानू दसना चाहना वावे। अक्सर बंदे चुगलियां करदे करदे रात गुजार लैंदे ने वे अक्सर लोग जनाब ताश खेड़दियां खेड़दियां अपना दिन गुजार लैंदे ने वे अक्सर लोग जनाब जुगतां मरदियां मरदियां अपना सारा टाइम फजूल कर लैंदे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह वे फरमाया वा उदखिलल जन्नत फकद फाज़ा वे वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर इस दुनिया
दुनिया पानी दे नाल दिल ना ला के बैठ जावे वे इत्ते दिल जिन्ने लाए या करून बन गए या हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम दे बेटे तरह बन गया वे या उन्ना लोगों तरह बन गए जिन्होंने कहा सानू जना मौत नहीं आ सकती। अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाया ना 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 जद मौत ने आके पकड़ लेना है तेरिया निमादा भी खत्म हो जानिया है तेरी खताबा ते डाकी ते तेरी चुदराट ते तेरे इलाके का जनाब जड़ा सन बरा अपने आप मैं आखदा सी ओनू जनाब इजराइल ने उंदी जान कढ़ के अल्लाह ताला दे सामने लैके जाने गए वे अल्लाह ताला दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे पैने वे मेरे सहाबा अगर बंदा बीमार हो जाए अगर बंदे ते जनाब इस तरह परेशानी दा आलम छा जाए ते की करना है अगर ओ तुंदी जान निकलदी पेंगे की करना है लगे नो मौत कुम ला इलाहा इल्लल्लाह उंदे कोल कलमा पढ़ना है उंदे कोल ताड़ियां नहीं मारनियां वे उंदे कोल जनाब तबले ते सुरंगियां नहीं मारनियां उंदे कोल जनाब इस तरह दुनिया दियां बातां नहीं करनियां वे। फरमाया जिहड़ा बंदा इतनी देर दुनिया दे अंदर रह के खाली जांदा पिया है कल तू भी खाली जाना है वे अज तू इंदा जनाजा पढ़ना है इंदा जनाजा पढ़ के देखना दे हाथ दे अंदर जनाब कोई चाबियां तक कोई नहीं वे कफन नु जेब तक कोई नहीं वे जनाब साडे रहमानी किसी ने कबर खटी उन्हों पूछना जनाब कबर के अंदर तो जनाब खजाने कोई नहीं वे। फरमाया वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर ए दुनिया फानी है वे अज मैनू भी छड़ना पौना है तुहानू भी छड़ना पौना है अल्लाहु अकबर अल्लाह। फरमाया अगर बंदे दी जान निकलदी पई होवे ना ते तुसीं इहदे सामने कलमा पढ़ना है वे अगर इहने कलमा पढ़दिया पढ़दिया ये समझ लिया कि अल्लाह ने मैनू मिट्टी तो पैदा किया सी वे मैनू मुर्दा नू इंसान बनाया सी वे इहने मैनू इंसान बना के मैनू इतना जिस्म अता किया सी वे मेरे वास्ते पैगंबर नू मबूस किया सी वे मेरे वास्ते अल्लाह ताला ने कुराने पाक नू जनाब इस तरह उतारिया सी वे मैं कुराने पाक के अंदरों केड़ा सबक लैके जा रहा वा वे। फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर अलैहि सलातु सलाम ने वे मुस्लिम के अंदर हदीस होंदी गए वे वा यालमु अन्नहु ला इलाहा वा यालमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना वे अगर इस बंदे ने अपने मरते सा तू पहले जान निकला तू पहले पढ़ ले अल्लाह ही दाता है अल्लाह ही जना मालिक है वे अल्लाह ही खालिक है अल्लाह ही सारे नु जनाब इस तरह पैदा करन वाले वे उन्हें मुर्दा तू जिंदा ते जिंदा नु जनाब मौत के कल अपने सामने खड़िया करना है वे बंदे दस तेनू जवानी अता कीती वे तेनू दसना इस तरह माल अता कीता वे दसना तेनू इलम अता कीता अल्लाहु अकबर अल्लाह वे तेनू इतना माल अता कीता ए किवें किवें अपनी जिंदगी गुजार के आए वे अल्लाह ताला दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने वे अल्लाह दे सामने तुम्हें खड़िया होना है मम्मी अल्लाह दे सामने खड़िया होना है वे अल्लाह ताला पूछेगा चार सवाल करके ना वे बंदे तू दुनिया ते रह के आए दस ना की कमा के आए अज सही दस्या जे साडे पल्ले की है सुबह तो लैके शाम तक असि की दा कीती जांदे किसी ने सही तरह अपना दिन सही इस्लामी गुजार के नहीं देखा फिर खैश है कि मैं जन्नत की फ्रंट सीट पे बैठना फिर खैश है कि मैं अहले हदीस हाँ फिर खैश है कि मैं देवबंदी बरेलवी हाँ मैं फलां दी बैत हाँ कोई काम नहीं आना कोई काम नहीं आना जे काम आना है तेरे नेक अमाल ने काम आना है। नबी पाक अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया बंदा फौत हो जाता है जाओ इन्दे गुसल का इंतजाम करो कफन का इंतजाम करो कबर का इंतजाम करो कबर के नाल ही जनाब इन्दे वास्ते हुन जनाब चौके नूं रख के दुआ का इंतजाम करो
मम्मी आ गया, तुसी भी आ गए, सारे आ गए। नबी पाक अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया, इदा मातल इंसान इनकता इल्म, फरमाया अगर दुनिया ते तू किसे नु अच्छा इलम पढ़ाया और सदका जारिया कीते और नेकी दे काम कीते ने जिंदे तू लोगां नु फायदा होएगा। पाक पैगंबर अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने, ए तीन काम तेरी नेक औलाद, तेरा जनाब जो सदका तू कीता और अपनी अपना इलम जो लोगां नु पहुंचाया है, ए दुनिया ते छड़ गया, ए तेनु काम आना, तेरे किसी भी काम कबर दे अंदर नहीं आना। हुण अगला स्टेप सुनो, अल्लाह ताला दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमांदे पैने वे, इदा उनखिलुल मय्यितुल कब्रावे मुस्तिलतलाउ शम्सु इंदा गुरूबियावे फयजलिसु यमसउ अलैहि वयकूलु दाउनी उसल्लीवे। फरमाया मेरे सहाबा जदों बंदे नूं कब्र दे अंदर दाखिल कर दिता जांदा है, उन्हूं दाखिल करके ना उन्हूं जनाब इस तरह इट्टां ला के मिट्टी पा के जनाब दुआ मंग के बंदे पिछा हो जांदे ने वे, अल्लाह ताला समान तू ना इस तरह मुनके तनके फरिश्तां नूं भेजदा है, जाओ ना जाके मेरे बंदे दा इंटरव्यू करके आओ, इंदी जिंदगी दा किन्ने दे सामने सवाल तिन करके आओ। अगर अल्लाह ताला दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि जदों बंदे नूं कबर दे अंदर दाखिल कीता ना, इदा उदखिलुल मय्यितुल कबरा, दाखिल हो गया, फरिश्ते आ गए, बैठणगे, उठावणगे, एक दफा ता है जनाब सब कुछ खुशक हो जाएगा, ये बनिया मेरे नाल की है, ये की गल है। नमाज़ां दा ख्याल कर लो, हकूक अल्लाह दा ख्याल कर लो, चुगली गिबा तो नजात पा जाओ, आज दुनिया ते रह के इंसाफ कर लो, हैया अल सला हैया अल फला सुन के अपनी कब्र की तैयारी कर लो। ये ना कहो मेरा माल बचेगा, माल बचांदा ते करून नू बचा लेंदा, निस्बत बचांदी ते जनाब हजरत नूह दे बेटे नू बचा लेंदी। अल्लाहू अकबर, अल्लाह अल्लाह ताला दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमांदे ने, फरिश्ते ने उठाया ते बैठ गया वे, ये जनाब अपनी अखा पे मलदा मुसिला तलाउ शमसु इंदा गुरूबिया, नाले अखा नु मलदा पे नाले देखदा पे इंदा गुरूबिया, सूरज गुरूब हुंदा पे वे, सूरज जड़ा डुबदा पे वे, आंदा फाया कूल दाउनी उसले वे, ऐ फरिश्ते पिछे हो जाओ, ओ सूरज गुरूब हुंदा पे मेरा, मगरब दा नमाज दा टाइम जांदा पे वे, मेरा असर दा नमाज दा टाइम जांदा पे वे, अज देख लो मस्जिद दे अंदर अजान होई वी, पांच चार बंदे आ गए, दूसरे जनाब डेरिया ते बैठे ने, दूसरे जनाब चौकां ते दुकानां ते बैठे ने वे, तीसरे जनाब उत्ते बैठे ने ते उत्ते बैठे ने अपनियां गल्लां करदे पए ने वे। अल्लाह ताला दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमांदे पए ने, फरमाया फयकूल दाउनी उसल्ली, जदों फरिश्ते दी आवाज सुनणगे ना ते ए बंदा अपनी अपने ख्याल च होएगा कि मेरी नमाज का टाइम जांदा पिया है। अज साडे कई बिरा ने जिन्ना फजर दी नहीं नमाज पढ़ी, जोर दी नहीं पढ़ी, असर दी नहीं पढ़ी, मगरब दी नहीं पढ़ी, कई ने इशा दी भी नहीं पढ़ी होनी। फरमाया मन तारा कर सलाता मुतअम्मिदन फकद काफर, तू बे नमाज हो के कुफर करके नमाज नु छड़दा छड़दा फात हो जाएगा। फरमाया फरिश्ते जदों कबर दे अंदर तेनु उठा के बैठणगे, तू हा हाजरी तक कह देवेगा, ना तेनु रब दा तारक होएगा, ना रब ताला ते महबूब पैगंबर अली की सलातु सलाम दा होएगा, ना दीने सलाम दा होएगा। असि किनू पुकारांगे और किनू बुलावांगे, एक दरखास्त हो जाए सारा इलाका सिफारिश कर सकता है, लेकिन कबर दे अंदर सवाल ना आया तो तेरा कोई भी वाकिफ नहीं बनना। दो मिनट में बात को खत्म करना, सुन लिया।
अल्लाह ताला दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जदो फरिश्ते ने ए गल कीती गए फयाकुलु दाउनी सल्ली यारे तापी जबान तू सानू आंदा पिछे हो जाओ मेरा नमाज दा टाइम है वे नबी पाक अलैहि सलातु सलाम फरमांदे पैने वे फरिश्तां दा दुनिया नहीं ए ता कब्र है वे ए ता जनाब तेरा ओ घर नहीं ओ किला नहीं ओ जनाब तेरी दुनिया दी खेती बाड़ी नहीं वे जिते तू पठे वड़दा सो जांदा सी ते उठदा नमाज पढ़ लैंदा सी वे दुनिया दे अंदर तू रह के अपने घरों बाहर दे अंदर जनाब चलदियां फिरदियां उंगा लै लैंदा सी वे जरी ठोकर लगनी ते ख्याल आना आखना मैं नमाज पढ़ लवा वे नबी पाक अलैहि सलातु सलाम फरमांदे पैने वे जेड़ा मुनाफिक बंदा वे परेशान हो जाएगा वे जेड़ा मुशरिक बंदा परेशान हो जाएगा वे जेड़ा दुनिया के अंदर मैं करदा गया है परेशान हो जाएगा वे जेड़े बंदे ने अपने रब नू नहीं पहचानिया वे अपने प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नहीं पहचानिया वे जिन्हें अल्लाह ताला दा कुरान नहीं पढ़िया वे जिन्हें प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान नहीं पढ़िया उनका जरा पसीना है ना ओनू ही पता होगा की होना तो फिर फरिश्ता ने जो डंड पौला करना है आलत्रेशन करनी है ओ दुनियादारा नू नहीं पता अगर पता लग जाए तो अदान होंदे सारे लोग मस्जिद के अंदर आ जाए हुण एक किस्सा रह गया फरमाया वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और सहाबाए कराम सही हदीस के अंदर आंदा है एक सफर कर रहे अल्लाह ताला दे प्यारे पैगंबर अलैहि सलातु सलाम एक जगह ते ठहर के एक बकरी उनका बच्चा मरिया पे उनके अंदर बो आ रही है उनके अंदर कीड़े पै पे ने फरमाया मेरे सहाबा केड़ा बंदा है जेड़ा ए बकरी का बच्चा मेरे को मरिया पे मुर्दा खरीद लवे सहाबा अर्जा करते ने अल्लाह ताला दे प्यारे पैगंबर अलैहि सलातु सलाम इंदा सानू की फायदा होएगा ना हड्डियां काम दियां ना चमड़ा काम दा ना अंतरियां काम दियां ना इंदा सिंगा ने कोई शह बन सकदी है ए तां बो आउंदी पिए असी नहीं लेना चाहते नबी पाक अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया अगर तुसी इनू नहीं लेना चाहते फिर सुन लो जितनी भी दुनिया है ए इंदे तो भी हकीर है तुसी इंदे नाल प्यार करके अपनी मौत नू भी भुल चुके ने ए जेड़ा मुर्दा है इंदे तो भी हकीर है दुनिया है आज दुनिया के अंदर जेड़ा पैसेदार है जेड़ा खांदा पींदा है वो आंदा मैं ही हाँ जदों कब्र के अंदर चला जाता पता नहीं बैंक के अंदर पैसे कौन जाके ले लेंदा है उंदी घड़ी उंदी जुत्ती उंदे कपड़े उंदा घर पता नहीं पिछू कौन जाके मालिक बन जांदा है तवज्जो करो अल्लाह ताला दे प्यारे पैगंबर अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया अगर कामयाबी चाहते ने अपने रब नू याद करो अकलमंद बंदा ओही है जिहड़ा मौत नू याद करदा ते कब्र नू देख के आंसू बहा लैंदा मालिके कायनात ऐलान फरमांदा बंदे तू इस कब्र तू डर गया ते जा मैं तेरे सारे फिकर दूर कर दिते ने तू कब्र की तैयारी कर लै मैं तेनू कामयाब कर देवांगा अल्लाह दे की दुआ है अल्लाह ताला मैनू और तुहानू जो कुछ मैं बयान कीता इस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए आमीन वमा अलीना इल्ला अल बलागुल मुबीन वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।